अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो नए नाजरीन है मेरे यूट्यूब दे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो यार। नवी ऑडियंस आती है तो इंशाल्लाह वधिया तो वधिया कॉन्टेंट पाते रहेंगे। नए यूट्यूबर यार सपोर्ट करया करो, ठीक है जी। तो इंस्टाग्राम के मैं पेजेस भी है यार, वो भी मैनशन करते इतने तस्वीर ला दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन से जाके उन्होंने भी सबसक्राइब करो, ठीक है। आज का यार टॉपिक का नाम है कि गल कुछ है कि स्पेशल इंटरव्यू विद सोनम बाजवा दिल दिया गल्ला सीजन टू। सोहेल खान के नाल कोई इंटरव्यू आया जी, 16 मिनट 46 सैकेंड का। फवाद खान के बारे में कुछ कहती हैं तो वह देखती हैं की कहना चाहती हैं फवाद खान के बारे में। सोनम बाजवा का इंट्रोडक्शन की कराइए यार, तरीफा ही फिर बंदा करता रहता है, तुम्हें पता ही है। कैरी ऑन जट्टा टू की हीरोइन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइप है जी, बॉलीवुड की, मसलन पंजाबी इंडियन पंजाबी की जिन्होंने बॉलीवुड भी कहते ना, इस करके मैं पहले बॉलीवुड बोल दिता सी। नंबर वन एक्ट्रेस से कैरी ऑन जट्टा टू जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस से उन्हें सारे रिकॉर्ड तोड़े सी, ते ओदी भी हीरोइन है, तो उन्होंने आलमोस्ट सारी फिल्मा ही हिट जाए। अजे पाकिस्तान से भी लगना शुरू हो गई है, तो लोगों को भी प्रोपर पता लगना शुरू हो गया है जी सोनम बाजवा का, क्योंकि फिल्मा ना लगन ना थोड़ा जहा अरसे बाद इंट्रैक्शन खत्म होने लग जाती, लेकिन उस आलमोस्ट पंजाबी मूवीज़ 80-90% लगती है, तो लोगों हम सारिया एक्ट्रेस तो एक्टर गिपी ग्रेवाल तो अमरिंदर गिलैमीबर्ग ए लोग तो पहले बहुत मशहूर सी। एक्ट्रेसिस का थोड़ा जहा इशू होता है, लेकिन हम सारिया का पता लगन लग गया। सानू तो सारा ही पता है कि जी कौन नंबर वन तो टू, तो आलमोस्ट असं स्टडी भी करते रहने, और मेरा तो मूवीज़ के बारे में इंट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इंटरव्यू देखते हैं, फिर इंटरव्यू के बाद देखते हैं इन दौरान गलबात भी करते हैं की कहते जी इंटरव्यू के। लैट्स प्ले इट। पाकिस्तान तो कलाकार ने एक उन्होंने फिल्म बहुत हिट हो रही है, पता थोड़ा उस बारे जी थोड़ा मतलब कि नहीं खुशी हुई क्योंकि मैं तो उन्होंने फैन आ, मैं तो बहुत खुशी हुई और होर भी मैनू लगता उन्होंने बहुत वेट कराया सानू सारिया नु, ते उन्होंने ज्यादा फिल्मा करनिया चाहिदियां, ज्यादा ड्रामे करने चाहिए। ये चीज ते ज्यादा बाकी असि तुहानू इदां यार असां भी बस वेट करदे रहने, ही शुड डू, असां भी यही कर देख सकदे जी कि मैं कदे उन्हां दे नाल काम भी करा, बिकॉज़ ही इज सच अ फैबुलस एक्टर। मैं ऑफ कोर्स उन्हां दे काम दी बहुत वड्डी फैन आ। मैं कहना यार सोनम बाजवा दा उन्हां दे नाल काम जरूर करना चाहिए। फवाद खान की गल मेरा ख्याल कर रहे हैं, तो एक बहुत ही वड्डा कॉम्बीनेशन हो जाएगा बॉलीवुड ते लॉलीवुड दा, इदां दा कॉम्बीनेशन होने की भी बहुत जरूरत है, ताकि सरहद पार भी पंजाबी दी मूवियां लगन, साडे भी इंडियन पंजाब रीजन ते बॉक्स ऑफिस कलैक्शन भी वधेगा, ते नाल लोगों विच प्यार मुहब्बत भी वधेगा, ते एंड दा ब्रेक थ्रू वड्डा देखने नू। असां भी बेताब हैं, तुसी लोग भी बेताब, देखते हैं कदों तक इहला ब्रेक थ्रू होंदा है कि कोई सीनियर एक्टर है ये साडे लॉलीवुड दा होवे ते उधरों बॉलीवुड दा होवे ते मिलाप होवे यार, कोई इहला स्टैप ते चुकना चाहीदा है ना। चुकोगे ते तदी लोगों दे नाल मुहब्बतां पैदा होंगीआं, ते मुहब्बतां दे नाल नाल कमाईआं भी वधणगीआं। यह सोचना चाहिए पाकिस्तानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी, तो इंडियन पंजाबी प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी, कि एक कंबाइन वेंचर जरूर होना चाहिए। हम अगे देखते हैं की कहनी जी। और हम तो चलो उन्होंने फिल्म आई है, बट जो हम सफर उस तो पहला जिंदगी गुलजार है, दास्ता, मैं सारे उन्होंने ड्रामाज भी देखे, सो आई एम अ बिग फैन। सो हम सफर जिंदगी गुलजार है जी, फवाद खान दे क्या ड्रामे है जी, अजे तक लोग देखते हैं बहुत ही शौक नाल है। हम टीवी आई थिंक सो लगा सी है, दो बारी हम टीवी ने भी रिपीट टेलीकास्ट लाया जी, क्या बात है। ड्रामा एवरग्रीन जिन्हू कहते हैं, जिस मर्जी दौर से देख लो तो मजा आएगा तुहानू हर दौर दे विच देखण दा। चलो जी हुण अगे भी इंटरव्यू नू वधाईए, असां ही गल्लां बातां करिए, इंटरव्यू को देखेंगे जी। चलो जी देखते हैं इंटरव्यू विच हुण होर की कहंदी है। काम पता नहीं मेरा तो होगा या नहीं होगा जे मैं उन्होंने नाल काम किया, बट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स बॉलीवुड चो जे मतलब नहीं नहीं बोरी कोशिश करो काम भी हो जाएंगे। पूछा जावे कि आप अमंगस्ट ऑल द सुपरस्टार्स किदे नाल काम करना चाहूंगी, तो मैं ऑफ कोर्स शाहरुख जी, बट जे काम ना भी कदे इदां बढ़िया बट फिर भी हमेशा उन्होंने फैन हाँ, हमेशा रहांगे। शाहरुख जी थानू जन्मदिन, पंजाब पूरे पंजाब वालों थानू जन्मदिन दियाँ बहुत बहुत मुबारक। सत श्री अकाल जी, फेमस पंजाब टीवी नूं तुसीं वेख रहे हो जी, और मैं हाँ सोहेल खान। दोस्तों अज असीं बहुत वड्डे दिल वाले आर्टिस्ट नाल गलबात करने वाले हैं जी, साडे नाल सोनम बाजवा मौजूद ने, बहुत बहुत स्वागत है, की हाल चाल ने। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, हाउ आर यू?
मैं बहुत वधिया। तो तुसी सच्ची बहुत वड्डे दिल वाले हो और बहुत वड्डे रुतबा वाले हो और बहुत वड्डे अदाकार भी हैगे साडी पंजाबी इंडस्ट्री दे। ए थोड़ा प्यार है एक्चुअली हल्ले मैं कोई बहुत वड्डे रुतबे वाली नहीं। तो किवें दा रहा सारा कैरियन जट्टा 3 दी शूटिंग करके आए हो तुसी और दिल दीआं गल्लां भी हुण स्टार्ट होण वाला आ। सो किवें दा रहा थोड़ा सारा ये सफर? वाह जी वाह, क्या बात है जी, रब दी मेहर आ। तो यार इन्होंने कहा जी कैरियन जट्टा 3 दी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, नया बॉलीवुड रिकॉर्ड टूटना जी। हम कैरियन जट्टा 2 का तुम्हें पता है कि पंजाबी नंबर 1 की 2018 में रिलीज हुई थी, अजे तक 2022 आ गया तक रिकॉर्ड नहीं टूटा रहा। कैरियन जट्टा 3 ने ही तोड़ना है, दैट्स पॉइंट। और दिल दियां गल्लां दा है कि हम सीजन 2 आया, दिल दियां गल्लां इन्हें होस्ट होंगे, उस मुख्तलिफ पंजाबी एक्टर्स ते सिंगर्स वगैरह नू बुलाया जाता है, तो उन्हों का इंटरव्यू कर दिया। सीजन 1 कंप्लीट हो गया, हूँ 2 दे चल रहे जी, इंटरव्यूज कह रहे थे कि हो रहे हैं कुछ, तो दिल दियां गल्लां सीजन 2 शूटिंग भी वधिया होगी। फर्स्ट स्कैड्यूल हो गया, सैकेंड स्कैड्यूल असी जैन दे विच करांगे कैरी ऑन जट्टा 3 दा, ते शो भी शूट कर रहे हैं। It's all going good. First I'm very excited because season 2 and I was many messages on this ki season 2 kadon karoge kadon aoga, so finally it's happening. And ye season 1 de hit kiya hai ji, so is bar main khud apniya kuch line likh ke leke aaya khud apne wallon. How sweet ji, bilkul. Aap shayari ki tarah ho, aap shayari ki tarah ho, mohabbat ko likhne wali kalam ki siyahi ki tarah ho, सुबह और शाम डायलॉग बोल देते हैं, दिल को जो सुकून दे उस गजल की तरह भी हो, इसके अलावा आपकी तारीफ में और क्या कहें सोनम, आप अर्श पे रहने वाली अप्सराओं की तरह भी हो। ओह वाओ, थैंक यू, क्या बात है जी, यू बहुत ही बढ़िया पोएट्री है जी, वेरी वेरी स्पेशल और एंड आई डोंट टेक इट लाइटली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। So मैं कैमरे ते आई वांटेड टू लेट यू नो दैट कि भी तुसी जो लिखते हो भाई, मैंने ही बढ़िया पंच बना दी थी है, हर एक ने इंप्रेस ही होना है और आज आप लिख के आए हो, सो थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट टू मी जी। सो हुन वाकई कमाल लिखी है तुसी, बहुत मैं पहला भी कह चुकिया कि मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तुसी, एक फिल्मा दा विच काम करना और एक ये अलग जर्नी जीनी, ये मतलब थोड़े लिए किवें डिफरेंट सी, और मतलब एक होंदा ना एक्साइटमेंट बढ़ जाती है भी हाँ यार फिल्मा च मैं कर दी काम, लेकिन एक नैचुरल जी चीज़ मैं हुण करनी है। सो पहले सीजन ते दूजा सीजन दोनों का एक्सपीरियंस ओवरऑल किवें दा सीगा थोड़े लिए? एक्चुअली मैं सच्ची अपने आप नूं बहुत ना खुशकिस्मत मानती हाँ कि मैनूं मौका मिलिया, जदों मैं साइन किया सीगा शो अज तो लाइक 3 साल पहला, उदों मैं ये सोचा सीगा कि ओके चलो बहुत वधिया मौका आ फैनस दे नाल मिलन दा वीकली ऑन TV, बिकॉज फिल्म ऑन दी अस 6 महीने बाद, बट दिस इज़ सो गुड कि भी फैनस तुसी मिल सकते हो उन्होंने TV दे थ्रू, एंड मैंने सीगा कि चलो ठीक है लैट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, मैं कभी सोचा नहीं सी, बट आई थॉट ओके साउंड इंट्रस्टिंग, क्योंकि मैंने ना शो की जी थीम आ जो कॉन्सैप्ट वह बहुत वधिया लग्या सी, जी तुसी वाकई सम हार्ट फैल्ट गल्लां करो और फन भी करो मस्ती भी करो, सो आई सैड यस। बट जदों वाकई मैं एपीसोड शूट करन लग गई पहले सीजन दे भी हुण भी, एक एक एपीसोड च मैनू इन्ना कुछ सीखण नू मिलिया ना, हर आर्टिस्ट दी जर्नी वाओ, और वाकई नॉट बिकॉज कैमरा इज़ ऑन और मैं अपने शो बारे वधिया गल्लां करनी है, आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हर एक दी जर्नी हर एक एपीसोड तो मैं इन्ना कुछ सीखती हाँ, इन्ना कुछ सीखती हाँ, और मैं सच्ची बहुत थैंक यू करती हूँ रब का कि एक मैनू यहोजा शो मिला जिससे मैं इन्ना कुछ सीखने को भी मिलता है, सो बहुत ही सैटिस्फाइंग जर्नी आ शो की मेरे लिए, और बहुत चंगा लगता है जो लोग भी शो को पसंद करते हैं, थोड़ा हैक्टिक हो जाता है बिकॉज आई थिंक TV कहते होंगे सुनिया कि TV इज़ वेरी हैक्टिक वेरी दिस, बट वाकई देखती हाँ, सो मैं लगता फिल्मा च इन्ना बिजी नहीं स्केड्यूल होंदा जिन्ना इत्थे होंदा जी, जिवें मैं कहा कि बहुत एक नैचुरल चीज़ होंदी आ जी। सो इस तो बाद मैं ना एक छोटी जी गल जिंद माही की करनी चाहना है, क्योंकि वो ना मेरे बहुत मैंने बहुत वधिया लगी मतलब फिल्म, और इस करके नहीं कि तुसी मेरे नाल बैठे हो इस टाइम, तुसी शायद पढ़िया सीगा मैं उस फिल्म बारे लिखा भी सीगा, तां वो फिल्म बहुत कंप्लीट फिल्म सीगी और एक रोमांटिक फिल्म साडे पंजाबी इंडस्ट्री विच घट बनदियां ने, इस करके वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी जो फर्स्ट हाफ दे विच तुसी काम कीता और सैकेंड हाफ दे विच अजय ने जो काम किया, मतलब वो पैरलर जो थोड़ा काम आ वो बहुत मजा आया देख के, और इदा दी फिल्म बननी चाहिए, वधाई दे पात्र हो उस चीज़ लई।
राइट सो फिल्मों की नाल गल हो रही है, मैं थोड़ा एक चीज़ होर दसना चाहता हाँ भी फिल्म ना एक बहुत हिट हो रही है अज के टाइम के, मतलब तुम देखा होना पाकिस्तान तो कलाकार ने एक उन्होंने फिल्म बहुत हिट हो रही है, पता थोड़ा उस बारे जी जी थोड़ा जहा मतलब कि खुशी हुई वह चीज़ देखी क्योंकि अरे मैं तो उन्होंने फैन हाँ, मैंने तो बहुत खुशी हुई और होर भी मैं लगता उन्होंने बहुत वेट करवाया सारे तो उन्होंने ज़्यादा फिल्मा करनिया चाहिए, ज़्यादा ड्रामे करने चाहिए आ ज़्यादा ताकि असं तो उन्होंने इदा ही देख सकते हैं इदा ही मिल सकते हैं, सो ही शुड डू फिल्म एंड ड्रामाज मच मोर दैन वट ही इज़ डूइंग राइट सो तुसी कदे मतलब कोशिश कीती कदे मिलन दी मतलब या कदे नहीं मैं सिर्फ सुपने देखे कोशिश तो किदा ही कर सकदी हां बट हाले तक नहीं आई विश कि मैं कदे उन्हां दे नाल काम भी करा बिकॉज ही इज सच अ फैबुलस एक्टर, मैं ऑफ कोर्स उन्हां दे काम दी बहुत वड्डी फैन हां और हुण तां चलो उन्हां दी फिल्म आई है बट जदों हमसफर उस तो पहला जिंदगी गुलजार है दास्तां मैं सारे उन्हां दे ड्रामास भी देखे आ so I'm a big fan so काम पता नहीं मेरे तो होगा या नहीं होगा जो मैं उन्होंने नाल काम किया but he's one of my most favorite actors right so हुण तुसी एक सैलीब्रिटी हो कोई सैलीब्रिटी बन के होना है कोई इदा दी चीज़ हैगी जो तुसी हुण भी मिस करते हो भी यार जो मैं एक आम इंसान सी ये चीज़ सौखी सी हुण ये चीज़ औखी होगी सैलीब्रिटी बन के मैं लगता जिंदगी बहुत बेहतर बहुत आसान ही हुई है कुछ भी औखा नहीं होया एक कहण दीआं गल्लां आ एज एन एक्टर असी इन्नी एक प्रिविलेज लाइफ जीने कि बहुत किस्मत वाले नू ये जिंदगी जीन का मौका मिलता सो मैं बहुत खुश हाँ जो मैं प्यार मिलता है मैं तो चाहनी हूँ होर ज़्यादा मिले सो बिल्कुल कुछ इदा तो है ही नहीं कि बस गोलगप्पे नहीं खा पाते पब्लिक करे वो कि गल आ सो नो प्रॉब्लम और आई थिंक लाइफ इज फुल ऑफ लव एंड ब्लैसिंग्स जो तुम एक आर्टिस्ट हो लोग तुम इन्ना प्यार करते हैं ना तो इस तो मैं तो इन्नी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती सो इदा का कुछ नहीं जो मैं पहला करती सी तो हुण नहीं कर पाऊंगी बस उन्होंने देखो ना आज इस बंदे बन के गए कि यार चीज नो एडमायर करने के जेडी भी लाइफ होवे यार ओदे भी शुक्र करना चाहिए वो कदे नहीं छड़ ये चीज थोड़े हिस्से आई आ थोनू लोगों ने एक्सैप्ट भी किया इन्ना प्यार करते हैं और मैंने लगता है ता उम्र या प्यार रहूगा बनिया क्योंकि तुसी उन्हों का किरदार जिवें हुण असीं बब्बू बैंस की गल करिए तो साढ़े जिहड़े पंजाबी मुंडे ने उन्होंने बहुत वधिया लगता है तो वह रिलेट कर पाते हैं उन्होंने चीज़ा सोहनिया लगदिया ने तो यह जो बब्बू बैंस यार क्या बात है इसको मैंने रोका है थोड़ा सा बब्बू बैंस का बाकी करैक्टर अखीर कर दिया था इन्होंने बहुत मजे का आया था डॉन गुंडा गर्दी तबाही तबाही नेक्स्ट लेवल ऐसे करना चाहिए मल्टी टैलेंटेड है ना देखिए आप एक तो वो उधर से मूवीज वगैरह भी कर रही हैं साथ में ये कि जो शोज भी कर रही हैं ऊपर से ये जो एक्शन मूवी जिसमें उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था बहुत ही वधिया इन्होंने करैक्टर निभाया सी नो डाउट आपदे लोका दा प्यार हिस्से आया है प्ले अगे करदे प्यार हिस्से आया सो ये प्यार बारे जो कल्ले बह के सोचदे हो किन्ना खुश होने बहुत खुश होंगे और बहुत अनरीयल जहा फील हों इदा लगता कि सच्ची इदा होया आ सच्ची यकीन नहीं हों हाँ ड्रीम लगता मैं ना थोड़ा एक गल दसनी चाहना अपने बचपन की जो मैं स्कूले पढ़ता हूँ सी ना और मैनू पता लगना कि अगले दिन मुहब्बतें कभी खुशी कभी गम या कुछ कुछ होता है वर्गी फिल्म कोई आनी है तो मैं छुट्टी मार लेंदा हूँ और मेरे घर के सपोर्ट करते कहते कोई गल नहीं तू ना जा और इदा पता लगे कि 12:30 बजे आनी है तो फिर मैं हाफ टाइम बाद आ जाता स्कूल तो क्योंकि मैं गल कर रहा किंग खान जी की सो अज उन्हों का बर्थडे आ मैं उन्होंने भी बहुत वड्डी फैन हाँ ही मतलब बॉलीवुड चो जे मतलब पूछा जाए कि आप अमंगस्ट ऑल द सुपर स्टार्स कि काम करना चाहूँगी तो मैं ऑफकोर्स शाहरुख जी बट जे काम ना भी कदे इदा बढ़िया बट फिर भी हमेशा उन्होंने फैन हाँ हमेशा रवेंगे स शाहरुख जी थानू जन्मदिन पंजाब पूरे पंजाब वालों थानू जन्मदिन दियाँ बहुत बहुत मुबारक रब थानू तंदुरुस्ती दे रब थानू बहुत होर सारिया खुशियां दे तो असी सारे थानू बहुत प्यार करते हैं यस आमीन जी सो इस शाहरुख खान का तो यार नो डाउट पाकिस्तान दे विच भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान सलमान खान ते नाल आमिर खान है तीनों खाना की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो शाहरुख खान की हम पठान मूवी रिलीज़ हो रही है जनवरी के महीने में और ना देखना भूलना पठान मूवी उन्होंने उन्होंने नैक्सट लैवल एक्शन किया बहुत कमाल की एक्टिंग की है तो जनवरी में आ रही है मूवी तो देखना मत भूलना
शाहरुख खान द किंग ऑफ बॉलीवुड ते हुन अगे प्ले करते हैं जी। तो अलावा जी अगर आप गल करिए जो मैं गल करन दा जो मकसद सीगा वो ये सीगा कि शाहरुख खान साहब नू जो शोहरत मिली आ कोई भी आर्टिस्ट लई इदां लोग नहीं जांदे उस दे घरे और एडा रश होवे ये अगर उस तो बाद अगर मैं जो देखा आ सिद्धू बाई लई देखा सिद्धू बाई कोल केक लैके बहुत लोग जाते सीगे और जो लोग नहीं आ सकते वो अपने घर केक कटते होंगे सीगे जी है ना जी। तो थोड़े बहुत चंगे दोस्त भी सीगे और दिल दी गल्लां दा वन दा पार्ट भी रहे ने। सो हालांकि मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा उस गल्लां क्योंकि असं रोज़ वेखते हैं तुसी कुछ ना कुछ शेयर करते हो उन्हां लई तां इस साढ़े सारे पंजाब लई इमोशनल चीज़ आ थोड़े लिए भी इमोशनल हो सकती है क्योंकि अगर वो अज साडे विचकार होंदे तां जाहिर जी गल है भी दिल दी गल्लां टू दे विच भी असीं उन्हां नूं इनवाइट करना सी 100% और मैनू हाले भी पता जो आप जिदा हूँ भी गल कर रहे हैं तो एक मिनट नहीं ना पता सोचना पैंदा कि अच्छा आप गल कर रहे हैं क्योंकि मैनू हाले भी इस गल ते यकीन नहीं आता और मैं बहुत बार इदा बैठी ना इदा कहूँगी कि जो भी मैनू याद आता या मैं किसी अपने हुण दा जो कैमराज हैगे आ जां मैं किसी अपने फ्रेंड दे नाल गल करदी आ या यू नो करीबी दे नाल तां मैं हमेशा ही कहनी हाँ कि ओके यू नो व्हेन आई गो टू हैवन आई विल मीट हिम देयर। सो यू नो अपने आप नूं मैं लेकिन बहुत ज़्यादा लक्की समझती हाँ। आई थिंक सारा पंजाब बहुत मतलब जिन्हों कहना कि असी सारे बहुत लक्की हाँ कि ही वॉज़ बॉर्न हियर यू नो उन्होंने साड़ी कम्यूनिटी लई साड़ी इंडस्ट्री लई जो सिद्धू मूसेवाला ग्रेट बंदा सी बहुत ही घट वक्त उन्हों की जिंदगी रही है लेकिन बहुत ही वधिया काम करके गए आ ते पंजाब बेशक होवे इंडिया दा या पाकिस्तान दा फैन फॉलोइंग इन्हां दी बस बहुत ही है दोनों बेच ही तकरीबन बराबर है। इत्थे भी उन्होंने डाई हार्ट फैनस है लोग इत्थे भी उन्होंने बहुत प्यार करते हैं कि उन्होंने कंसर्ट वे सी के पाकिस्तान वे उन्होंने आना सी इस साल के दौरान वफात हो गई सी ते पाकिस्तानी भी बड़े मिस करते उन्होंने ते बहुत ही ज़्यादा दुख की गल है बॉलीवुड वास्ते भी के पाकिस्तान वास्ते भी कि एक बहुत ही अच्छा सिंगर जो कि बहुत ही जल्दी दुनिया तो चले गए है वक्त तो मौत का हर एक आना लेकिन यह बहुत ही दुख वाली गल है ता ओ ना कदे पहला किसी ने किया और ना कोई कर पाऊगा। सो वी आर लकी एंड वी आर ब्लैस दैट वी हैड हिम ते और मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हाँ कि मेरी किस्मत सी कि मैं उन्होंने मिला उन्होंने जानना उन्होंने नाल टाइम स्पेंड करा तो बस वो जिथे भी ने आई जस्ट रियली होप दैट ही स्माइलिंग देयर ते वी उन्हों की कमी कदे कोई पूरी नहीं कर सकता। सो हम अखीर दे विच जो आर्टिस्ट दोस्त भी ने और तुसी उन्हां नाल शो दे विच इनवाइट किया उन्होंने तो कोई इदा दी चीज़ जो शायद थोनू भी नहीं पता सी उन्हां बारे और शो के दौरान पता लगी मैं एक करके आर्टिस्टा का नाम लूँगा तुसी उन्हां बारे दसना है भी हाँ यार ये चीज़ ये मैनू नहीं पता सी ये चीज़ मैं शो के पता लगी सब तो पहला तो एमी विर्क एमी के बारे मैं सब पता है एमी के नाल मैं इन फिल्म कीतिया आ एमी दी जिन्हों मैं कहना मैं रग रग तो वाकिफ हाँ एमी ने मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं किया मैं सगो एमी ने सरप्राइज किया। आई डेंट एक्सपैक्ट कि एमी इमोशनल होगा ये मैं नहीं एक्सपैक्ट किया बिकॉज मैं एमी नू कदे इदा इमोशनल नहीं सी देखा। सो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग सी बट आई थिंक एमी नू मैं काफ़ी जानती हाँ राइट पर तुसी देखा कि उन्होंने भी एक शो किया हुआ इदा दा नंबर वन आ रही है ना हाँ वो बहुत कमाल सी उन्होंने राइट। सो इस तो अलावा एमी विर्क द ग्रेट परसन यार आजा मैक्सिको चलिए कमाल मूवी सी पंजाब इन्हों की पहली लगी सी पाकिस्तानी पंजाब जो तो बैन बून खत्म हुए बॉलीवुड वास्ते तो मैं आजा मैक्सिको मैं सिनेमा में देखी थी वधिया बाकी तो देख ली थी लैपटॉप वगैरह तो कमाल की एक्टिंग है नो डाउट जी बहुत ही वधिया एक्टर है जी परसन एज अ परसन तो वह बेहतर जानती होगी लेकिन एज अ एक्टर क्योंकि पब्लिक तो एज अ एक्टर जानती है साढ़े कोल केड़ा उन्हां दी कोई अपीरेंस है फिजिकल असां तो फिल्मां ते ही देख सकते हैं तो क्या कमाल एक्टिंग करते जी। हुण अगले जी गल कीती जी सरताज जी ने तुहानूं जरूर सरप्राइज सरताज जी ने मैं इदां सोचा सीगा कि सरताज जी बहुत ही सीरियस होणगे बहुत ही घट बोलते होणगे बट बहुत मतलब मैं नहीं कैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं बट वो बहुत फन इंसान आ मतलब
डांस उन्होंने पसंद आ, म्यूजिक उन्होंने नचना टपना लाइक, और मैं सोचा सी कि मैं सरताज जी को किदा कहूँगी कि तुसी टास्क करो, लेकिन उन्होंने जो मैं टास्क उन्होंने किया डांस गाना एक्टिंग जो भी सारा उन्होंने किया। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपीसोड्स जो एक कष्ट सरताज जी का, एंड आई रियली रियली विश टू मीट हिम अगैन सून और हैव हिम ऑन द शो, आई डोंट नो, बट मैंने इदा लगता है कि सरताज जी बोली जान बस मैं सुनी जाऊँगा। निमृत खैरा मैं सरप्राइज हुई, हाँ मैं जो वॉर्म्थ मैंने उन्हें तो मिली जो शो ते आए ना, मैं वो एक्सपैक्ट नहीं सी की थी। बाकी तो खैर जिदा मैं सोचा सगा उन्हें बारे कि इदा ही आ स्वीट वेरी लाइक सॉफ्ट स्पोकन वो उदा ही आ, लेकिन वो जो वॉर्म्थ उन्हें दे वलों मैं मिली वो मैं बहुत बहुत वधिया लग्या। निकू जी नाल असीं थोड़ी फोटो वेखी आ उन्होंने, निकू जी सरप्राइज हुई मैं जड़ी चीज़ देखिए। निकू जी भी बहुत फन इंसान है, मैं आई थिंक उन्हों का म्यूजिक पहला सुनिया है मतलब गाने, लेकिन फन परसनैलिटी आदा मैनू नहीं सी पता, तो निकू जी की भी वो फन साइड देख के शरारती साइड देख के मैं बहुत वधिया लग्या। करण औजला मैनू हमेशा लगता सी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट आ, मैनू ये लगता सी कि वो कॉन्फिडेंट आ, बट ही इज़ सुप्रीमली कॉन्फिडेंट, ये मैं शो दे विच देखा, वेरी सिक्योर परसन, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड वो जिद्दां दे है कोई उन्होंने इतराज़ नहीं सच, मतलब यू नो वो उन्होंने जो रैपिड फायर सी वाकई उन्होंने कोई मैनिपुलेटिव कोई डिप्लोमैटिक आंसर नहीं, एंड उन्होंने एकदम वो मैंने चीज़ ने बहुत इंप्रेस किया दैट ही सो कॉन्फिडेंट एज अ परसन। अमृत मान, अमृत मान मैं लगे सी बहुत शायद गुस्से वाले या सीरियस ने इदा ने, बट अमृत इज़ ऑल्सो सो पोलाइट सो सॉफ्ट स्पोकन, और बड़े उन्होंने मैनू सरप्राइज किया मिमिक्री करके, मैनू नहीं सी पता कि अमृत मिमिक्री भी कर सकते हैं, और एमी विर्क की तो उन्होंने जिन्होंने कहते सिरा ही लाता उन्होंने जो मिमिक्री की। राइट, सो हूँ अखीर ना मैं नीरू मैम इंटरव्यू कर रहा था, तो मैं उन्होंने पूछा भी कदों मिले उन्होंने, तो उन्होंने कहा भी एक जिम च मिले शायद तुम, तो इस तो इलावा अगर चाहे दिल दी गल्ला दी गल करा मैं उस राही कोलैब करना या किसी फिल्म दे विच या कुछ भी अगे कुछ सोचा तुसी है? हाँ, नीरू जी नाल कोलैब करना इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, तो चाहे वह फिल्म दे राही हो, मैं तो मैं चाहया सी कि वो शो ते भी आउण, लेकिन आई थिंक वो इतने इंडिया च है नहीं, या और रुबीना दा व्याह होया उन्होंने बहुत सारिया मुबारक, सो उत्थे बिजी आ, बट अदरवाइज आई वुड हैव लव टू हैव हर ऑन द शो, या कदे जे फिल्म च भी अस इकट्ठे काम करिए इट विल बी ऑसम। राइट, सो बहुत चंगा लग्या, हर बार चंगा लगता है थोड़े नाल गलबात करके। सेम या। और अखीर दे विच तुसी की कहना चाहोगे साडे लई और साडे चैनल लई? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सारे दा बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑलवेज लविंग मी सपोर्टिंग मी फॉर ऑलवेज मेकिंग मी सो स्पैशल, तो दिल दियां गल्लां सीजन टू ऑन एयर हो चुकिया है, ट्यून इन टू जी पंजाबी एवरी सैटरडे एंड संडे शामी 7 बजे अपने परिवार के नाल बैठ के तुसी ये प्रोग्राम इंजॉय करो, एंड मैंने उम्मीद है कि थानू बहुत पसंद आऊगा। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों साढ़े नाल सोनम बाजवा जी मौजूद सी जी, मुलाकात किमें दी लगी है कीमती प्रतिक्रिया जरूर देना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो सुहेल खान के साथ ही अभी इंटरव्यू देखा, बहुत ही मजे का है जी, बहुत ही उन्होंने वधिया गल्लां कीतियां, सुहेल खान ने बहुत ही अच्छे तरीके नाल इंटरव्यू लिया जी। हाँ, हुण साडा पंजाब ते विच भी एंटी कोलैबोरेशन वास्ते साढ़े पंजाबी लोग भी एंटी कोलैबोरेशन वास्ते तैयार है कि यह होनी जरूर चाहिए है, इन्हां दे इंडियन पंजाबी एक्टर जिहड़े सीनियर्स हैगे या होर पाकिस्तानी सीनियर एक्टर्स दे विच कोई एक बॉलीवुड ते लॉलीवुड दी मेगा बजटेड मूवी आनी चाहीदी जिहड़े नवें तो नवा रिकॉर्ड तोड़े, ते इस वास्ते यार डायरेक्टर प्रोड्यूसरां नूं सीरियस हो के इस बारे सोचना चाहीदा। इंटरव्यू देखिया बहुत ही मजा आया जी, मैनूं इजाजत दीजिए, मिलते नैक्सट वीडियो दे, अल्लाह हाफिज़।